छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार कोंडागांव जिला कांग्रेस के द्वारा बूथ को मजबूत करने की अभियान शुरुआत की गई है। मर्दापाल शिव मंदिर परिसर में मर्दापाल ब्लॉक के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की मौजूदगी में ब्लॉक अध्यक्ष सुखराम पोयाम की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें पूर्व विधायक चंदन कश्यप जिला कांग्रेस अध्यक्ष झुमुकलाल दीवान ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा झूठ के बलबूते पर चुनाव जीती है, इनके झूठ को जनता के बीच में जाकर उजागर करनी है। राज्य व केंद्र सरकार की नाकामियों को वादा खिलाफी को जन जन को बताना है। 3100 रुपए धान के प्रति क्विंटल देने का वादा कहा गया, महतारी वंदन योजना कहा गया, गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने का वादा कहा गया। हमारी कांग्रेस के भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार किसानों की सरकार थी, किसानों के हित में योजना बनाकर आम जन को मजबूत करने का काम किया था। शायद सरकार बनने के बाद 5 कैबिनेट बैठक हो गए, किसानों के हित में कोई चर्चा नहीं किया गया। यह सरकार किसान मजदूर युवाओं के शोषण करने वाली सरकार है, इसे जन जन तक पहुंचाना है। हमारे कार्यकर्ता आगामी चुनाव में काम करने के लिए तैयार हैं। बस्तर लोकसभा से पुनः कांग्रेस पार्टी के सांसद बनाने हम सभी तैयार हैं। डोनेट फॉर देश डोनेट फॉर न्याय के तहत कार्यकर्ताओं द्वारा सहयोग मिल रहा है, पार्टी के अंतिम व्यक्ति द्वारा भी न्याय यात्रा को सहयोग मिल रहा है। कोंडागांव से दीपक ठाकुर की रिपोर्ट।